नमस्कार दोस्तों, मैं सागर तलवार फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोजिला टनल के बारे में, जो कि जम्मू और कश्मीर में बनाई जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी दबा लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस टनल को बनने में लगभग 7 वर्ष का समय लगेगा और इस पर लगभग 6,808 करोड़ की लागत भी आएगी। कहा यह भी जाता है कि यह टनल अक्टूबर 2020 में बननी स्टार्ट हुई थी और अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। हालांकि यह टनल काफ़ी मुश्किल वातावरण में बनाई जा रही है, उसके बावजूद यहां पर सेफ्टी अरेंजमेंट्स का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे यहां पर वेंटिलेशन सिस्टम के साथ ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा। उसके अलावा CCTV कैमरास के साथ यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके अलावा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी यहाँ पर बिजली 2400 घंटे आएगी। ट्रैफिक लॉगिंग इक्विपमेंट भी लगेगा ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो, लोग इजीली पास आउट होते रहें। एमरजेंसी टेलीफोन सिस्टम और टनल रेडियो भी लगाया जाएगा ताकि अगर किसी को एमरजेंसी सिचुएशन में बात करनी पड़े तो वो कर सके इजीली। सेंट्रल गवर्नमेंट का इस टनल बनाने का मेन मकसद यह भी था कि जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जा सके, यानी जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख किसी भी मौसम में आया जाया जा सके। हालांकि आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर से लद्दाख बस 1 साल में 6 महीने ही जाया जा सकता है, क्योंकि भारी बर्फबारी होने के कारण और कभी कभी बर्फीला तूफान आ जाने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए। जोजिला टनल इंडिया की सबसे लंबी टनल रोड होगी और एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल रोड होगी। इसके अलावा इसमें 2 सुरंग होंगी, पहली 435 मीटर की और दूसरी 1950 मीटर की। दूसरी डिवीज़न में घोड़े के नाल की आकार में 14.15 किलोमीटर की 2 लेन वाली ये टनल बनेगी, जो कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख के कारगिल ज़िले के द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरेगी। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो ये प्रोजेक्ट लोकल लेबर्स के लिए काफ़ी एम्प्लॉयमेंट लाएगा, यानी काफ़ी काम लाएगा। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद लोकल बिजनेसेस की कनेक्टिविटी नेशनल मार्केट के साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर साल नंबर ऑफ़ टूरिस्ट यहाँ पर और ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोकल बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जिनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये एक इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट भी लाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।